हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। एंड गाइस, आज की वीडियो में ना आपके लिए काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके आ गया हूँ। जैसे ही गाइस हम लोग बात करने वाले हैं अपने मैजिक क्यूब को लेकर, क्योंकि यार कल की वीडियो में यार इतने सारे कमेंट्स आए थे तो सारे डाउट्स आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और पूरा मैं आपको कंफर्म बताऊंगा कि आप सभी लोगों को मैजिक क्यूब मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे यार सेकंड अपडेट कवर करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट गाइस। जो अपना नेक्स्ट ब्लू प्रिंट आ रहा है समुराई थीम पर, तो उसके पूरी डिटेल्स निकल के आ गई है, कितनी मतलब कितने ब्लू प्रिंट पर कौन सा बंडल आए, मतलब ब्लू प्रिंट का पूरा प्राइस निकल के आ गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताने उसी बात पे लाइक बनता है। और यहाँ पे गाइस अपना थर्ड इवेंट कवर करने वाले हैं अपने गेम में आने वाला FFCS का इवेंट। तो यार उस इवेंट की जो है पूरी थीम की वीडियो निकल के आ गई है, तो वो पूरी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मतलब कि यार आज की वीडियो में भी आपके लिए काफी सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स एंड अपडेट्स लेके आया हूँ, जो कि बिल्कुल ही रियल अपडेट्स हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो एक इंट्रो से। गाइस वीडियो कंटिन्यू करने से पहले भाई हमेशा की तरह भाई छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज पूरी कर देना सारे भाई। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं करा भाई लाइक ठोक दो, एंड जो चैनल पे नए आए हैं भाई सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लो, नहीं तो सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोगों ने मेरे कहने पर सब्सक्राइब कर भी दिया है तो मेरे भाई नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करो, और आपको डेली 7:30 बजे मेरे भाई बिल्कुल मस्त वाले अपडेट्स दूंगा। और अपना बिल्कुल फिक्स टाइम रहता है गाइस डेली 7:30 बजे, आप कभी भी देख लेना, डेली हम 7:30 ही डालते हैं वीडियो। चलिए गाइस अब बढ़ते हैं सबसे पहले अपडेट की तरफ। तो यार ये अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बता रहा हूं, एंड ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी अपडेट है। तो यहाँ पे गाइस अपने जो आने वाला है नेक्स्ट इंक्यूबेटर, उसकी पूरी डिटेल्स आ गई हैं। तो देख लो गाइस आप लोग सारे बंडल की प्राइसिंग देख लो यार, कितने ब्लू प्रिंट में कौन सा बंडल दिया जा रहा है। सबसे पहले गाइस अपना ये फीमेल का बंडल आपको दिया जाएगा, एक ब्लू प्रिंट एंड 3 इवोल्यूशन स्टोन के बदले। एंड गाइस अपने नेक्स्ट बंडल के लिए आपको 2 ब्लू प्रिंट एंड गाइस 5 जो होते हैं इवोल्यूशन स्टोन वे दिए होंगे, जो कि गाइस अपना ब्लैक वाला मेल का बंडल रहेगा समुराई का। एंड गाइस इसके बाद अपना रेड वाला आएगा, जो कि सबसे मस्त वाला बंडल है। इसके लिए 3 ब्लू प्रिंट 7 होते हैं अपने इवोल्यूशन स्टोन, एंड यहाँ पे एक फीमेल का बंडल है, इसके लिए 2 ब्लूप्रिंट एंड गाइस 5 एवोल्यूशन स्टोन। तो यार आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो, सबके देख सकते हो, सारी डिटेल्स मैंने इनकी दे दी है। एंड यहाँ पे एक बंडल और है गाइस अपना 3 ब्लूप्रिंट मतलब 3 ब्लूप्रिंट और 7 एवोल्यूशन स्टोन, जो कि अपने रेड वाले का फीमेल वाला वर्जन है। तो ये मेरे को लगता है रेड वाले सबसे बेस्ट रहने वाला है, और ब्लैक वाले भी मेरे को यार काफी सही लगा है। तो आप लोग कमेंट्स में बताओ यार आपके मतलब आप कौन सा यहाँ से कहना चाहते हो। एंड यहाँ पे गाइस इसे देख सकते हो आप लोग, इतने सारे मैंने आपको सारे दिखाए हैं। तो वीडियो पोस्ट कर लो, आराम से सारी की प्राइसिंग देख लो आप लोग। चलिए गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो यार अपना नेक्स्ट अपडेट यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि यार अपने वियतनाम सर्वर में अपनी M1887 की जो स्किन होती है ना, ये वाली स्किन भाई प्रोवाइड कराई गई है क्रिएट्स के बदले। मतलब कि अपने वियतनाम में यार अपनी M1887 की स्किन जो है स्टोर में डाल दी गई है, एंड बहुत जल्द जितने भी बड़े बड़े सर्वर है सब में अवेलेबल कराई जाएगी। एंड उसके बाद गाइस अपना इंडिया का नंबर आएगा, मतलब मेरे कहने का मतलब सिंपल सा यार, आपको बिल्कुल कंफर्मली अपनी M1887 की स्किन जो है अपने स्टोर में यार काफी जल्दी देखने के लिए मिल जाएगी। अभी के लिए तो ओनली वियतनाम में डाली गई है, और अभी और सर्वर में भी आएगी, फिर अपने सर्वर की भी धीरे धीरे डेट पता लग जाएगी, तो मैं आपको पूरा 100% कंफर्म बता दूंगा। एंड ये चीज मेरे को काफी सही लगी है, क्योंकि यार बहुत सारे बंदे अपनी M1887 की स्किन निकालना चाहते हैं, तो जब यार अपनी क्रिएट्स में आ जाएगी तो बहुत इजी हो जाएगा भाई गंदी स्किन निकालना। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भाई नेक्स्ट अपडेट है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, जिसका आप सभी लोग वेट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप उन लोग बात करने वाले हैं मैजिक क्यूब को लेकर, क्या हम सभी को मैजिक क्यूब दिया जाएगा। तो देखो गाइस अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा, मैं इसका सीधा सीधा आंसर देता हूँ, हाँ गाइस आप सभी को मैजिक क्यूब दिया जाएगा। बट गाइस गरीना वाले सभी को मैजिक क्यूब दे देंगे, जो सबसे मेन प्रॉब्लम रहेगी वो अपनी सर्वर की प्रॉब्लम रहेगी। अगर यार सारे बंदे एक साथ जाके मैजिक क्यूब को क्लेम करेंगे, तो जो अपना फ्री फायर का जो सर्वर होता है गाइस पूरा ठप पड़ जाएगा, मतलब कि बंद पड़ जाएगा, क्रैश हो जाएगा। और इसके एग्जांपल आपने यार पहले भी देखे होंगे, जैसे अपने FFIC के दिन हुआ था, एंड काफी सारे इवेंट में गाइस ऐसा ही होता है। ज्यादा ये चीज गाइस अपने फ्री वाले इवेंट में होती है, जैसे कि अपना दिवाली का मैजिक क्यूब बिल्कुल फ्री का इवेंट है भाई, पूरा जितने बंदे फ्री फायर खेलते हैं सभी के सभी फ्री का मैजिक क्यूब, कोई नहीं छोड़ने वाला, सभी क्लेम करेंगे। बस यही कारण है गाइस उसकी वजह से अपना सर्वर क्रैश हो सकता है, मतलब पूरा कंफर्म नहीं है। अगर गरीना वाले सही से मैनेज करेंगे तो मतलब क्रैश नहीं होगा, सही वर्क करेगा। यहाँ भाई काफी सारे बंदे कमेंट करके बोल रहे थे भाई हम बारात के 12 बजे क्लेम कर लेंगे, हम यार सुबह को क्लेम कर लेंगे। तो गाइस देखो मैं आपको बता दूं, जब ना यार मतलब मैजिक क्यूब का इवेंट आएगा ना, वो पूरा कंफर्म नहीं है कि आपको 12 बजे ही देखने के लिए मिले, क्योंकि अपने इंडिया के गाइस इवेंट के 2 टाइम रहते हैं, फिक्स टाइम रहते हैं, एक रहता है रात के 12 बजे, एक रहता है सुबह के 4 बजे। अगर रात के 12 बजे के बाद नहीं आएगा, फिर आपको कंफर्मली सुबह 4 बजे अपना जो है मैजिक क्यूब का इवेंट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग मेरे से पूछते हो कितने बजे आएगा, तो देखो यार दोनों की 50-50 चांसेस है, 12 बजे भी आ
सकता है, सुबह के 4 बजे भी आ सकता है, तो मतलब पूरा कंफर्म नहीं बता सकता यार। और हाँ गाइस, आपका ये भी सोचना सही है, अगर आप लोग मतलब रात के 12 बजे क्लेम कर लोगे या सुबह को 4 बजे क्लेम कर लोगे तो हाँ आपको मिल सकता है, क्योंकि उस टाइम पे कम बंदे जो है गेम खेलते हैं, तो जो मतलब कम बंदे खेलेंगे तो कॉमन सी बात है यार, सर्वर पे इतना ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, तो जो बंदे यार सुबह को मतलब रात के 12 बजे ले सकते हैं तो ले लेना, क्योंकि ये बहुत हाई चांसेस रहेगी फिर आपको इजीली मिल जाएगा। अगर सुबह 4 बजे स्टार्ट होता है तो जो भी सबसे पहले ले लेंगे उनको इजीली मिल जाएगा। बट गाइस प्रॉब्लम जब आएगी, जब बहुत सारे बंदे एक साथ जाके मैजिक क्यूब क्लेम करेंगे तो जब अपना सर्वर यार क्रैश हो सकता है, जरूर क्रैश हो सकता है। तो इसके भी यार बहुत सारे सोल्यूशन है, अगर 14 तारीख को यार किसी को मैजिक क्यूब ना मिले, कोई भी प्रॉब्लम आए सर्वर से रिलेटेड, तो यार मेरे चैनल पर आके कमेंट कर देना। अगर यार मतलब काफी सारे बंदों को प्रॉब्लम होगी तो मैं वीडियो बना दूंगा और आपको सोल्यूशन बता दूंगा किस तरीके से इस सोल्यूशन को सोल्व करना है। फिर चाहे गाइस गरीना के अंगेंस्ट क्यों ना वीडियो बनानी पड़े, बस आप लोग सपोर्ट करते रहना। और आपको पता है जब भी ऐसी गेम में कोई प्रॉब्लम आती है, आपका भाई सबसे पहले आपके लिए खड़ा है, हमेशा गरीना के खिलाफ वीडियो बनाता है और बनाता रहूंगा जब भी आपके खिलाफ गरीना कुछ गलत काम करेगी। और भाई कल वाली वीडियो पे यार इतने सारे डिसलाइक, मतलब बहुत यार, मतलब इतने सारे डिसलाइक मेरी वीडियो पे कभी भी नहीं आए, मतलब यार 600-700 डिसलाइक आए वीडियो पर, क्योंकि उसमें मैंने आपको मैजिक क्यूब का बताया था कि ऐसे ऐसे हो सकता है। बट गाइस कोई ना, अपने हेटर्स थे, पर सबसे अच्छी बात ये यार अपने मतलब डिसलाइक से ज्यादा अपने लाइक है वही मेरे लिए काफी है, जलने वालों से ज्यादा गाइस अपने चाहने वाले हैं, तो भाई काफी है मेरे लिए इतना। और भाई अगर मन कर रहे तो इस वीडियो पे भी लाइक कर देना, और जो हेटर्स है मेरे को पता है डिसलाइक करके जाएंगे, तो आपकी मर्जी मेरे भाई, अगर दिल चाहे तो भाई वीडियो पे लाइक मार देना। लाइक टारगेट में गाइस कभी भी नहीं रखता, आपके ऊपर मतलब रहता है, मैं ज्यादा आपको फोर्स नहीं करता, बस आपका अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको कंटेंट अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना बस अपनी तरफ से। चलो गाइस एक और इंटरेस्टिंग अपडेट आप लोगों को देता हूं, तो जो बंदे गाइस अपना डायमंड रोल निकालना चाह रहे हैं, जिनको डायमंड रोल चाहिए, तो गाइस आप लोगों को बहुत जल्द 30-40% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा अपने डायमंड रोल पर। मतलब कि अभी आप लोग डायमंड रोल में स्पिन मत करो, अभी आपके बहुत सारे डायमंड जाएंगे, बट गाइस कुछ टाइम में आपको यार 30-40% का ऑफ देखने के लिए मिलेगा, हर बार देखने के लिए मिलता है, कॉमन सी बात है, इस बार भी आएगा, तो जब मतलब डिस्काउंट वगैरह आएगा उस टाइम भी अपना डायमंड रोल निकाल लेना। वैसे भी यार इतना ज्यादा मेरे को नहीं इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो जाकर आप लोग डायमंड वेस्ट करने की सोच रहे हो, मैं कहना चाहूंगा, अपनी सजेशन देना चाहूंगा, भाई इस डायमंड रोल में डायमंड वेस्ट मत करो, नेक्स्ट आएगा क्या पता इससे अच्छा हो, तो उसमें यार ट्राई कर लेना, वैसे यार इसमें कुछ इतना खास नहीं है। चलो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूं गाइस अपना FFCS में आपको कैसे कैसे अपने गेम के अंदर आइटम देखने के लिए मिलेंगे, क्या क्या चेंजेस अपने गेम में आएंगे। तो गाइस सबसे पहले निकल के आता है ये वाला बंडल, ये ऑलरेडी गाइस मैंने आप लोगों को दिखा रखा है, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद अपनी एरोप्लेन की स्किन ऐसी होगी, ये भी मैंने बहुत टाइम पहले आपको न्यूज दी थी, एंड पूरी 101% कंफर्म न्यूज थी, अपनी एरोप्लेन की स्किन ऐसी हो गई है। ये वाला गाइस आपको सर्वोर देखने के लिए मिलेगा, ध्यान से देख लो और सारे आइटम दिखाता हूं क्या क्या चीजें रहेंगी। तो इस टाइप आपको गाइस सर्वोर देखने के लिए मिलेगा, इसी मंथ में मिलेगा गाइस 21 तारीख के बाद, और यहाँ पे पैराशूट गाइस इस टाइप का आने वाला है। तो ये सारे आइटम ऑलरेडी दिखा रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हो यार ये अपनी स्टार्ट जो होगी गेम के अंदर ऐसी लगेगी। लूट बॉक्स की स्किन गाइस आप ध्यान से देख लो, इस टाइप की लूट बॉक्स की स्किन रहने वाली है, और अपनी एयरशिप की गाइस इस टाइप की हो जाएगी, शायद से ये हो भी गई होगी, अभी तक नहीं हुई होगी तो 21 तारीख के बाद हो जाएगी, जहां तक मेरे को लगता है शायद बदल गई है स्किन अपनी। तो उसके बाद यार आप लोग सारी न्यूज़ देख लो यार, अपना एयर ड्रॉप कुछ इस टाइप का है, तो मैंने पूरा आपको यहाँ पे अपडेट दिखाया है, एयर ड्रॉप आप लोग देख लो, शायद से अपना एयर ड्रॉप भी गेम के अंदर चेंज हो गया है, क्योंकि मैं काफी टाइम से यार अपना जो रैंक वगैरह होता है वो नहीं खेला, तो आप लोग बताओ यार गेम में चेंज हुआ है नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो 21 तारीख के बाद हो ही जाएगा। तो ऐसे ऐसे अपडेट्स गाइस अपने FFCS के दौरान आपको देखने के लिए मिलेंगे। और मेरे भाई आज की वीडियो में बस इतने ही अपडेट्स से, कैसी वीडियो लगी है कमेंट्स करके बताना, अब मिलूंगा कल 7:30 बजे, जब तक के लिए बाय, और हाँ यार सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर देना। Hi survivors, we know that some of you have been looking forward to our Free Fire World Series. However, the COVID-19 situation makes it difficult to stick to our original plans. To keep our players safe, we will be replacing the World Series with the Free Fire Continental Series, which will be held between the 21st of November to the 29th of November. Join us from the safety of your home as we celebrate the second year of Free Fire Esports with Free Fire Continental Series, which is our biggest Free Fire online tournament yet.